रिटायरमेंट की बात छात्रों के गले से नीचे नहीं उतर रही। इन युवाओं का तर्क है कि सेना में। गुजरात दौरे पर वडोदरा में पीएम मोदी ने गुजरात गौरव अभियान में लिया हिस्सा। खुली गाड़ी में पहुंचे कार्यक्रम स्थल। 21,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गुजरात के पावागढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने की महाकाली मंदिर की ध्वजा पूजा। रोप वे के जरिए पहाड़ पर बने मंदिर तक पहुंचे सीएम। पीएम भैरव मंदिर में भी की पूजा अर्चना। आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को, अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है। माहिराबेन के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उनके पांव धोकर लिया आशीर्वाद। जन्मदिन पर मां को प्रसाद भी खिलाया। ट्वीट कर खुशी को लोगों के साथ किया साझा। 4 साल की सेवा के बाद निकले अग्निवीरों को सरकार का एक और उपहार। रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण का ऐलान। असम राइफल्स और सीएपीएफ में भी 10% आरक्षण का गृह मंत्रालय का फैसला। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार बंद के दौरान कई जगहों पर हिंसा। आगजनी और तोड़फोड़। पटना में कल हुई हिंसा के मामले में 170 लोगों की पहचान। 46 लोग गिरफ्तार। अग्निपथ योजना के विरोध की वजह से रेलवे में 119 ट्रेन को किया रद्द। बिहार की गाड़ियों पर सबसे ज्यादा असर। रेल यात्रियों की बड़ी परेशानी। दिल्ली में एक मंच पर जुटे केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्री। सीएनएन न्यूज 18 के टाउन हॉल में पहुंचे अनुराग ठाकुर। स्मृति ईरानी और एस जयशंकर भी होंगे शामिल। असम में बाढ़ से हालात खराब। फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। करीब 3,000 गांव प्रभावित। 9 लोगों की मौत। हरे भरे प्रदेश में नदी के किनारे दफन का है पूरा शहर। पुरातत्व विभाग को भी नहीं था जिस पर यकीन, लेकिन जब वहां खुदाई को तो क्या मिला। रेत के इस रहस्यमय शहर को देखिए आज रात 8:57 पर। आधा हकीकत आधा फसाना में।